कि हम भगवान की कथा तो सुनने जा रहे, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करने से, हम जिस भोले बाबा की कथा को सुनने जा रहे, उस कथा का फल क्या है? तो लिखा है कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये, कि जिसके सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सहित आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। कैसे? मान लो कोई गाय हो, गाय के साथ में उसका एक बछड़ा भी हो, तो आप बस केवल बछड़े को अपनी गोदी में उठा लो और अपने घर की ओर लेकर के चलो, तो आप चाहे गाय को बुलाओ या गाय को न भी बुलाओ, तो भी गाय बछड़े के पीछे पीछे आपके घर तक आ ही जाएगी। आप भगवान की चाहे पूजा करो या पूजा पाठ करो या कुछ भी मत करो, बस भगवान की कथा श्रवण करना चालू कर दो, तो भगवान भी आपके हृदय में स्वयं चल करके आ जाएंगे। पावन पवित्र शिव पुराण की कथा आज से हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान की कथा सुनना इतनी आसानी भी से नहीं मिलती। एक बात तो आप बिल्कुल अपने माइंड में अपने, न तो पूजन पाठ करता, न भगवान शिव के मंदिर जाता, न संध्या करता, नहीं भगवान का भजन करता। जब बंधु बांधवों ने देखा कि यह तो किसी काम का नहीं, घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन वह ब्राह्मण चोरी करने की इच्छा से एक सेठ के यहाँ पर पहुंचा और जब चोरी करने लगा, गांव के कुछ लोगों ने उसको चोरी करते हुए देख लिया, पकड़ लिया उसको और पकड़ करके एक खंभे से बांध करके इतना मारा कि उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब गांव के लोगों ने उसके मृत शरीर को जंगल में दूर कहीं फेंक दिया। तभी वहां पर यम के दूत आ गए। इतने में वहां पर एक कुत्ता आया, एक श्वान वहां पर आया और वह उस पिंड शरीर पड़ा था उस पर जाकर के बैठ गया। इधर यम के जब